अभी स्टार्ट हो गया। चलो अच्छा, अभी। सो आज का जो टॉपिक है इसमें देखो, पहला वाला जो है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। जैसे कि आप इसमें लाइन देख पा रहे हो, एक ये पिंक कलर वाला एक लाइन है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा पॉइंट है, पी इस साइड है, क्यू इस साइड है, ए बी एक साइड है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक स्ट्रेट लाइन का दो ही साइड हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या तो राइट में। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट आपको दिया जाएगा, और आपको अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कौन सा साइड है, मतलब दो पॉइंट एक ही साइड है या दो पॉइंट दूसरा साइड पे है। बात समझ आ रहा है मेरा? जैसे कि ये पहला देख रहे हो आप, ये जो पी और क्यू है ना, अगर मैं पी और क्यू का बात कर दूं तो ये देखो एक दूसरे का अपोजिट साइड में है। बट अगर ए एंड बी का बात करते हैं तो आप देखो इसका ए गुड एंड बी इवनिंग आपका सर। एक ही साइड है। गुड इवनिंग बेटा। तो ए एंड बी जो है आपका एक ही साइड आ जा रहा है, बट आपका पी क्यू जो है ये आपका अपोजिट साइड में आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें यही पॉइंट्स का क्या करना है, पोजीशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, जो लाइन का आप देख रहे हो ये पिंक कलर वाला लाइन है। समझ रहा है सब सब सबको समझ आ रहा है कि हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, या डिस्कशन किसके ऊपर होगा, राइट। चलो देखते हैं फिर। आप एक चीज देखो, मैंने ये जो पी एंड क्यू को ज्वाइन किया है ना, अब गौर से देखो इसमें, ये अगर ऑपोजिट साइड में होगा तो ये क्या हो रहा है, आपका पी एंड क्यू को ज्वाइन करने से आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है कहाँ, ये लाइन के ऊपर। बट अगर ए एंड बी जो कि एक ही साइड पे है, इसको ज्वाइन कर रहे तो ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बट अगर हम ये वाला को, मतलब ये ए और बी को जो ज्वाइन कर रहे हैं वाला लाइन, उसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये वाला आपका ये लाइन को इंटरसेप्ट कर देगा। इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, और ये पी एंड क्यू जो है, और ये वाला पॉइंट का नाम देता हूँ मैं आर। बात समझ आ रहा है मेरा? दोनों केसेस समझ आया कि पी एंड क्यू जब दूसरा साइड, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट साइड में है, तब ये ज्वाइनिंग लाइन जो है ये एक्चुअल स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं ले सकता हूँ ना, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू वाला केस, क्योंकि ये पॉइंट जो है बीच में है। तो मैं बोल सकता हूँ ये रेशियो जो आएगा आपका, मैं मान लेता हूँ लैम्डा इज टू वन रेशियो में आएगा। बात समझ रहे हो मेरा सब लोग? सब चुप क्यों बैठे हो, हाँ या ना बोलो, यस सर। ठीक है। मैं ले रहा हूँ ये इंटरनली जो कर रहा है ना, वो लैम्डा इज टू वन में, जो हम बहुत स्टार्टिंग में किए थे ना सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल था, एम इज टू एंड वाला रेशियो था, वही है मैं ले रहा हूँ लैम्डा इज टू वन वाला। आप बोलोगे सर ये वन क्यों ले रहे हो, आप एम इज टू एन ले रहे हो ना। देखो एम इज टू एन का हम ऐसे भी तो मान सकते हैं ना, अगर इसको एन से डिवाइड करेंगे तो एम बाई एन रेशियो वन भी तो मान सकते हैं, और यही एम बाई एन को हम लैम्डा ना मान सकते हैं, तो हम एम बाई एन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये। बात समझ आ रहा है? सर तुम 2:4 को 2:4 लिखो, या 1:2 लिखो, या तुम बोलोगे 1/2:1 लिखो, बात तीनों ही सेम है। ये एम इज टू एन का फॉर्मेट और मैं लिख रहा हूँ ये वाला फॉर्मेट, बट बात सेम ही है। समझ आया सबको? तो बेटा जब पी सर एन क्यू मतलब जो पॉइंट्स है, अगर ऑपोजिट साइड में हो जा रहा है, तो ये मैं ऐसे ले सकता हूँ, मतलब इंटरनल डिवीजन हो रहा है, मतलब इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बट ये जो केस है सर, इसमें ए बी का केस में, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। और मान लेते हैं चलो कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये पिंक वाला, इसका इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इसको हम एल से मान लेते हैं, एल वाला स्ट्रेट लाइन ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया? एंड मुझे और कुछ भी लेना है, जी मैं सर। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड क्यू का लूंगा एक्स टू वाई टू। तो अगर मुझे आर का निकालना है तो आर का कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट, लैम्डा के साथ क्या होगा, ए वाला मल्टीप्लाई वन के साथ ए वाला मल्टीप्लाई, दिखाया था ना मैं इजीली याद करने के लिए, तो वो वाला चीज याद करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो पहले आएगा लैम्डा एक्स टू प्लस, अब फिर से क्या लेंगे, लैम्डा एक्स टू हो जा रहा है, फिर इधर से एक लेंगे वन इंटू एक्स वन, तो सिर्फ एक्स वन बाई लैम्डा प्लस वन कॉमा, फिर से लैम्डा का दूसरा वाला मतलब लैम्डा वाई टू प्लस
वन इंटू वाई वन मतलब सिर्फ वाई वन बाई हो जा रहा है लैम्डा प्लस वन। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। समझ आया सबको? यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। एक चीज देखो रिपीट। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो पी एन क्यू था, पी एन क्यू को आर जो है इंटरनली क्या कर रहा है, सेक्शनल फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या लैम्डा इज टू वन में, तो मैंने इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला लगा दिया। बस एक्सटर्नल फंक्शनल फॉर्मूला होता है, इंटरनल एक होता है, तो मैंने इंटरनल वाला लगा दिया क्योंकि ये इंटरनली क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आर का तो मुझे पता चल गया, मतलब क्या सेक्शनल मतलब कोऑर्डिनेट। अब देखो आर जो है, आर क्या है, ऑन द एक्स ऑन द लाइन है ना, मतलब लाइन के ऊपर है जो एल वाला लाइन है, तो ये जो आर का कोऑर्डिनेट है, ये एल का जो लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई ना करेगा क्योंकि ऑन द स्ट्रेट लाइन है। हाँ या ना बोलो। जरूर करेगा क्योंकि आर जो है एल के ऊपर ही है ना, ये पिंक वाला लाइन के ऊपर ही है और पिंक वाला लाइन का इक्वेशन ये है, तो मैं आर का जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें बैठाऊंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, आर लाइज ऑन एल, ठीक है, एंड बोल सकता हूँ ए इंटू एक्स, एक्स का मतलब लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन लैम्डा प्लस वन प्लस बी वाई टू लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन बाई लैम्डा प्लस वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। समझ आया कि नहीं सर? यस सर। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इतना बड़ा टर्म तो नहीं रख सकते है ना, तो देखो लैम्डा प्लस वन को हम क्या करेंगे, ए इंटू लैम्डा इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन बी इंटू लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन प्लस सी इंटू लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। लैम्डा से लैम्डा प्लस वन से टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, सी के साथ लैम्डा प्लस वन और जीरो के साथ, तो आपका जीरो ही आ जाएगा। समझ आया सबको? सर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, अब देखो मैं क्या करूंगा, सारे जो टर्म्स है मतलब ए, अच्छा इधर वो नहीं होगा, तो ए जो है आप हम जितने भी एक्स वन है मतलब जितने एक्स वन वाई वन है एक साथ लेंगे, तो देखो ए इंटू एक्स वन है बी इंटू वाई वन है और सी इंटू वन है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, हो गया ये वाला। अब देखो दूसरा वाला क्या लेंगे, ए इंटू एक्स टू वाला बी इंटू लैम्डा टू लैम्डा वाई टू और सी इंटू लैम्डा ले सकते हैं ना, क्योंकि ये लैम्डा सारे में है, तो मैं लैम्डा कॉमन लेके लिख दूंगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मेरा मोटो है लैम्डा निकालना इधर से। समझ आया मेरा बात? ये समझ आया सबको? यस सर। अब हम क्या करेंगे, इधर से लैम्डा निकालेंगे, तो लैम्डा निकालने के लिए इसको रख देते हैं, लैम्डा इंटू ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस आएगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी एंड लैम्डा इक्वल्स टू हो जा रहा है माइनस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी। लैम्डा मतलब ये वाला लैम्डा निकल आया। अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ना ए वाई बी वाई ए एक्स बी वाई सी, इसमें हमने एक्स वन वाई वन पी वाला जो पॉइंट है, पहले एक्स वन को मतलब एक्स वन वाई वन बैठाया, फिर उसमें ही एक्स टू वाई टू बैठाया और डिवाइड कर दिया। मतलब ऐसे अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बट इससे मुझे मिल क्या रहा है सर, कुछ मतलब ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। और करेंगे इसको, देखो अभी एक चीज सोचो आप, हम ये वाला केस ले रहे हैं जो लैम्डा इज टू वन क्या लिया था हम, कि लैम्डा इज टू वन जो है आर पॉइंट जो है पी क्यू को इंटरनली कर रहा है कट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। इंटरनली करेगा तो ये जो लैम्डा है, ये जो आपका लैम्डा है, इसको कुछ और कलर लेते हैं, ये जो आपका लैम्डा है ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका इंटरनली कर रहा है, और एक्सटर्नल केस में लेस देन जीरो हो जाएगा।
तो अगर मेरा ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज लिख देना है आपको कि पी एंड क्यू, मैं आपको डिराइवेशन दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मतलब याद नहीं रखना है, बट आपको सीखना है. ऑन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब अगर पी क्यू एक साइड में होता तो क्या होता, लेस देन जीरो होता बेटा. जैसे कि ए और बी का केस अगर लोगे आप, तो इस बार में आपको लेस देन जीरो लेना होगा, जो कि हम दिखाएंगे अभी. तो ये समझ आया सबको? तो सर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या था, माइनस एक्स वन बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो. अब देखो तो इस वाले में माइनस है, दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो के ए से आएगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी, ये लेस देन जीरो बन जाएगा. समझ आया? यस सर. यस सर. मतलब मेरे मुझे इधर से मिल क्या रहा है, मतलब मुझे जो पॉइंट मिलेगा, जो भी पॉइंट मिलेगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, मैं क्या करूंगा, दोनों ही पॉइंट को क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में बैठा दूंगा. एक्स वन वाई वन बैठा दिया और एक्स टू वाई टू बैठा दिया, इन दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है और देखना है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन. अगर लेस देन आएगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, और अगर सेम साइड हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा. बात समझ रहे हो? मतलब ये वाला देखो, कोई भी चीज नेगेटिव का होता है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा. ये लेस देन जीरो कब होगा, ऊपर और नीचे किसी एक को तो पॉजिटिव और किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, दोनों ही सेम साइन होगा तो पॉसिबल है क्या नेगेटिव होना? नो सर. दोनों ही प्लस तो प्लस होगा, दोनों ही माइनस तो भी प्लस होगा. मतलब इन दोनों का मतलब पी एन क्यू जो आप लिए हो, पी एन क्यू दोनों ऑपोजिट साइड आएगा, दोनों को अगर आप इक्वेशन में बैठा होगा स्ट्रेट लाइन का, एक अगर पॉजिटिव दिखाएगा तो दूसरा वाला नेगेटिव शो करेगा, तभी बोल सकते हो कि दो वाला पॉइंट ऑपोजिट है. मतलब दो अगर अलग साइन दिखा रहा है तो ऑपोजिट में है, सेम साइन दिखाएगा तो सेम साइड है, ऐसे याद रख लो. ऑपोजिट साइन होगा तो ऑपोजिट साइन होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट याद रखो, ऑपोजिट साइन होगा तो ऑपोजिट साइड में होगा, सेम साइन में होगा तो सेम साइड होगा. बात समझ आया? तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ कि इफ, जैसे कि पी क्यू नहीं लेंगे अभी, ए बी का केस ले लेंगे हम, ठीक है. इफ टू पॉइंट्स आर इन द सेम साइन, आर इन द सेम साइड, देन क्या हो जाएगा, ये वाला लैम्डा जो है, मतलब लैम्डा तो लैम्डा देखो ये वाला नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, इस केस में लैम्डा नेगेटिव आएगा और आपका ये जो केस बनेगा ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे उस केस में एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, दिस इज ग्रेटर देन जीरो. और ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, दोनों का ही साइन सेम होना चाहिए तभी पॉजिटिव बनेगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव. बात समझ आया? यस सर. ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी रखा है मैंने इसके लिए. क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट माइनस थ्री कॉमा माइनस टू एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस. आपको लाइन दिया गया है, दो पॉइंट दिया गया है, आपको बोलना है ये सेम साइड होगा या ऑपोजिट. काम का करेंगे हम, किसी एक को एक्स वन वाई वन लेंगे, तो एक्स वन वाई वन क्या ले रहे हैं, माइनस थ्री प्लस टू. किसी एक को एक्स टू वाई टू लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस टेन एंड टू. तो अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, दोनों ही पॉइंट को इसमें बैठाना है, तो बैठाओ. तो लाइन जो है एल आप बैठा दो, ये वाला एक्स वन वाई वन के लिए क्या आ जाएगा, एल को मान लेते हैं आपका स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो. तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, आप निकाल के देखो, मतलब एल का मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ एक्सप्रेशन को एल ले रहे हैं. तो इसमें बैठाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स मतलब माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वाई मतलब माइनस टू प्लस सेवन, क्या आएगा, माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ टू आ जाएगा. हाँ या ना बोलो? यस सर. एंड एल में क्या करेंगे अभी, एक्स टू वाई टू बैठाओगे,
तो बैठा हो एक्स टू वाई टू कितना आ रहा है, ये वाला पहला वाला एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ 10 प्लस 3 इंटू वाई मतलब 2 प्लस 7 कितना आ रहा है, 3 2 6 3। देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव मतलब ऑपोजिट साइन, अगर ऑपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, दो पॉइंट बोलो भाई अपोजिट क्या साइड होगा, ग्रेटर दो पॉइंट। हाँ देन 0 पॉइंट ऑन बेटा अपोजिट साइड। हाँ, सो दिस पॉइंट्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, बात समझ आया, और दोनों का ही सेम आ जाता तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ही सेम साइड होगा। समझ आया क्वेश्चन, यस सर। देख लो किसी को कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है, जो पॉइंट आपको दिया जाएगा, आपका एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया है, जो पॉइंट आपको दिया जाएगा उस पॉइंट के थ्रू आपको क्या करना है, पहले स्ट्रेट लाइन में बैठा हो, फिर देखो दोनों ही पॉइंट में उसका वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों ही सेम साइन होगा तो सेम साइड, सेम सेम ऐसे याद रखना है, सेम साइड ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड, आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है चलो फिर ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, इफ ए कॉमा ए स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट दिया है कोई भी पॉइंट का, फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइंस वाई इक्वल्स टू एक्स बाय टू एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इक्वल्स टू 3x, एंड बोल दिया है इसमें भी एक्स ग्रेटर देन जीरो, देन ए बिलोंग टू व्हाट, क्वेश्चन समझ रहे हो, आपको बोला गया है एक कोऑर्डिनेट, ये कहाँ आ रहा है, फॉल फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब मान लो ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा और इन दो के बीच में जो एंगल हो रहा है, देखो वही बोल रहा है कि इन फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइंस दिस एंड दिस देन ए, इसके बीच में आपका वो पॉइंट आ रहा है, कौन सा वाला पॉइंट, ए कॉमा ए स्क्वायर, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है, मतलब ए का रेंज निकालना है कितने, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है बात समझ आया कि नहीं, यस सर। ठीक है चलो, तो हम इसको करेंगे दो मेथड से कर सकते हैं, पहले जो नॉर्मल मेथड हम देखेंगे जो कि हमारे दिमाग में आता है, सबके दिमाग में ही आएगा मुझे लगता है, अगर कुछ अप्रोच कर पा रहे हो तो यही वाला पहला दिमाग में आएगा, तो उससे सॉल्व करेंगे पहले, मेथड वन जो है हम करेंगे क्या, पहले ड्रॉ कर लेते थोड़ा, अब देखो ये वाला, देखो पहला वाला जो दिया है ना y इक्वल्स टू x बाई टू मतलब y इक्वल्स टू x बाई टू, स्लोप कितना है इसका कोई बोल सकता है मुझे, y इक्वल्स टू x बाई टू का स्लोप कितना है, बोलो बेटा, वन वन बाई बाय टू इसका 3 है, हाँ या ना बोलो, टू तो मेरा 1/2 के लिए जिसका हो रहा है ये वाला थोड़ा ऐसा होगा, और दोनों ही देखो जीरो जीरो से जाएगा, देखो कोई कांस्टेंट टाइम नहीं है इसमें, तो ये वाला एक बनेगा और दूसरा वाला बनेगा ऐसा, ठीक है, और ये वाला आपका है कौन सा वाला, y इक्वल्स टू एक्स बाई टू वाला, एंड ये आपका है y इक्वल्स टू 3x वाला, और इसके बीच में मेरा कौन सा पॉइंट आ रहा है सर, ये जो पॉइंट आपने लिया ये कॉमा स्क्वायर, तो हम ले लेते हैं इसका p लेते हैं, चलो जो कि आप बोलोगे ये वाला पॉइंट जिसका दिया है ए कॉमा स्क्वायर, समझ आया कि नहीं, यस सर। ठीक है इधर से मैं ये वाला y इक्वल टू 3x नहीं लिख के मैं इसको लिख देता हूँ कि x y इक्वल टू 3x था, इसको लिख देता हूँ 3x माइनस y इक्वल टू 0, और इसको लिख देता हूँ मैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, बात सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले लिया, ठीक है समझ आ रहा है ना सबको, तो हमें निकालना क्या है, निकालना है
ए का वैल्यू, मतलब ए का रेंज वैल्यू, मतलब क्या हो सकता है, बात समझ रहे हो? यस तो सर। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक पॉइंट लूंगा, कहां, इधर ले लेते एक पॉइंट, मान लेते ये वाला पॉइंट 1,0, 1,0 तो इधर ही आएगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। अब देखो तुम बोलोगे सर मैं ना पी, मैं करूंगा क्या कि मैं पी क्यू को ज्वाइन कर दूंगा, अब देखो पी क्यू तो अपोजिट, सॉरी पी एंड ए को ज्वाइन कर दूंगा, तो पी ए तो अपोजिट साइड में है, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अगर पी एन ए अपोजिट साइड होगा तो पी एंड ए का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में बैठाऊंगा तो क्या शो करेगा, साइन, अपोजिट। ऑपोजिट। तो मैं ना पहले ए को बैठाता हूँ एक्स कॉमा माइनस टू वाई में, मतलब एक्स माइनस टू वाई में। तो देखो पॉइंट फॉर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ए का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्या है 1,0, मतलब एक्स का वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 0, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो देखो ए बैठाने से मुझे प्लस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ए के ऑपोजिट में, मतलब ये लाइन के ऑपोजिट में पी है, तो पी बैठाने से मुझे क्या मिलना चाहिए, पी अगर मैं इस लाइन नेगेटिव। के ऊपर बैठूं नेगेटिव मिलना चाहिए, मतलब सर पी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा ए स्क्वायर है, तो अगर ए वाला वैल्यू आप इस इक्वेशन में बैठाओगे, इक्वेशन तो नहीं मतलब एक्सप्रेशन में, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉइंट ऑपोजिट है, तो एक पॉजिटिव शो कर रहा है क्योंकि ये तो 1 हो रहा है, मैंने देख लिया, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली पी जो है उसको बैठाएंगे तो नेगेटिव शो करेगा, मतलब एक्स माइनस टू वाई, मतलब ए माइनस टू इंटू वाई का वैल्यू कितना, ए स्क्वायर, ये आपको नेगेटिव शो करेगा। ये समझ आया सबको, आना यस सर। ही चाहिए क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है, ऑपोजिट में है तो एक पॉजिटिव शो कर रहा है दूसरा नेगेटिव, इधर से आप एक एक वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे करेंगे, ये वाला ए कॉमन ले लो तो ये आएगा कितना, ए माइनस टू ए स्क्वायर है इसका लेस देन जीरो, मैं कर देता हूँ इधर से टू ए स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, मैंने माइनस कॉमन लिया, इधर से आप ए कॉमन लोगे तो टू ए माइनस वन आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा ये, अगर किसी को वही भी का वाला चीज याद है तो बहुत इजीली बना दोगे। कैसे, देखो इससे आपका क्रिटिकल पॉइंट जीरो आ रहा है, तो इससे आ रहा है आपका कितना 1/2, तो अब ये वाला जीरो ये वाला 1/2, और ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, और पैटर्न फॉलो करता है तो क्या होता है सर, लास्ट वाला प्लस देन माइनस देन प्लस, याद है ये चीज, यस सर। अगर रिवाइज करोगे तभी जाके इतना फास्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे बेटा। तो देखो मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन जीरो मतलब मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए सिर्फ, तो मैं कौन सा पोर्शन लूंगा, मैं सर ये वाला साइड और सर ये वाला साइड ना लूंगा, तो इधर से मेरा ए क्या बन जा रहा है, ए बिलोंग्स टू सर माइनस इनफिनिटी से, और देखो सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, मतलब आपको इक्वल्स टू वाला केस नहीं दिया है, तो आप ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, क्लोज या ओपन, ओपन ओपन एंड यूनियन 1/2 से लेके इनफाइनाइट ओपन, तो ठीक है सर, ये तो बहुत बड़ा एक रेंज आ जा रहा है। देखो आपको सिर्फ ये सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको कुछ और भी सेटिस्फाई करना है, देखो आप ये पॉइंट का तो ले लिए, आपको देखो ये वाला लाइन का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। कैसे करेंगे, अब देखो मैं ये वाला चीज समझ आया, इतने तक समझ आया कि ए का एक वैल्यू, एक तो मुझे मिल गया है, मतलब एक पोर्शन हो गया है, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब हम क्या करेंगे, मैं ना दूसरा एक पॉइंट लूंगा, कहाँ लूंगा दूसरा पॉइंट, मैं इधर ले लेता हूं, इधर इसको लेंगे 0,1, और सेम थिंग अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो भी तो बात ही सेम बन रहा है ना, पी एंड इसका नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको, पी देते हैं, चलो बी नहीं दिया, तो पी और बी भी तो अपोजिट साइड आ रहा है इस लाइन के, तो मैं बोल सकता हूँ ना बी का जो साइन होगा और पी का जो साइन होगा इस लाइन में बैठाने के बाद वो अपोजिट में आएगा, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, यस सर। तो मैं पहले बी को बैठाऊंगा इसमें क्योंकि बी का वैल्यू मुझे मालूम है, मतलब पॉइंट मुझे मालूम है, मैंने खुद से लिया है, तो लाइन क्या है 3x-y, 3x-y इक्वल्स टू जीरो, और अब मैं बी को बैठा रहा हूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा, बी को बैठाएंगे तो 0,1, मतलब एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 1, तो ये आपका आ जाएगा -1, हाँ या ना बोलो। यस सर। और आप क्या करोगे, अगर ये -1 हो जा रहा है, मतलब ए कॉमा ए स्क्वायर को अगर इसमें बैठाऊंगा तो क्या आएगा, +1।
मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, वन तो आएगा नहीं या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट पॉजिटिव सिंबल जरूर आएगा, वैल्यू से काम नहीं है, मुझे साइन देखना है। तो मैं अगर बैठा हूं 3a - a² ये आपका पॉजिटिव आएगा, बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो इसको आप सॉल्व कर दो, अगर ये पॉजिटिव आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा इधर से, आप देखो 3a - a² > 0, मैं माइनस कॉमन लूंगा इधर से, तो a² - 3a < 0 रहेगा पहले, फिर माइनस अगर रिमूव कर दोगे तो ये बनेगा a² - 3a < 0। मैंने ऐसा क्यों किया, पैटर्न में लाने के लिए, अगर a कॉमन लोगे तो ये बनेगा a - 3 < 0। फिर से इधर देखो आप, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, तो अगर आप बैठाओगे तो दिस इज 0, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 3 आएगा। और आप देखो एक मतलब ये आपका वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में प्लस देन माइनस देन प्लस, और आप लेस देन 0 ले रहे हो, मतलब आपका सिर्फ इतना तक ही ना आएगा नेगेटिव वाला, तो मैं अब बोल सकता हूँ ए बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा सर, सिर्फ लेस देन है, तो ये 0 to 3 आएगा ओपन में, बात समझ आ रहा है? और फाइनली आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये इसका और इसका यूनियन लेना पड़ेगा, और यूनियन कैसे निकालते थे ये भी दिखाए थे आपको, दोनों को ड्रॉ कर दो, कॉमन वाला पोर्शन ले लो, तो देखो ड्रॉ करेंगे दोनों को ही, क्या है पहला वाला 0 1/2, तो 0 तो इधर होगा, 1/2 मान लेते हैं इधर होगा, एंड 3 मान लेते हैं इधर होगा, पहला वाला क्या है 0 और 1/2 के लेफ्ट में आ जा रहा है, मतलब मेरा पहला वाला पोर्शन आ रहा है ये वाला पोर्शन में, और दूसरा वाला क्या आ रहा है 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके मतलब 0 से ये वाला में, 3 से ये वाला में, आप ही बोलो कितना तक, मतलब अगर ड्रॉ कर देंगे लाइन, लाइन ड्रॉ कर देते, चलो लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, तो 0 से लेके इतना तक, आप बोलो कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, बोलो कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, 1/2 से 3 तक कॉमन आ रहा है, तो ए बिलोंग्स टू हो जाएगा सर 1/2, 3, और ये वाला कौन सा वाला है, देखो आंसर में दिया, आई गेस ऑप्शन दिया था, हाँ ऑप्शन डी, समझ आया? अब कोई कोई बोलेगा सर ये बहुत लेंदी मेथड है, हाँ ये बहुत लेंदी मेथड है, बट ये थोड़ा सीखने लायक चीज था। अब मैं एक और मेथड से दिखाऊंगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में तो 2 स्टेप में हो जाएगा, सिर्फ डायग्राम से हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, बट पहले आपको ये भी समझना है, नहीं तो इसको दिखाता नहीं, इसका भी इम्पोर्टेंस है, समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर। चलो तो इसका मेथड 2 देखेंगे अभी, पेज ही नहीं बचा, क्या बात, थर्टू के लिए एक ही पेज चाहिए होगा वैसे, चलो तो इसमें मेथड 2 में क्या है, हमें लोकस का यूज करेंगे इसमें। अब देखो पॉइंट आपको क्या दिया गया है बेटा, a, y² दिया गया है ना, जो पॉइंट, तो yes, मैं sir. इसमें क्या देख पा रहा हूँ, अगर इसका लोकस मैं बनाऊ, इसका अगर लोकस बनाऊ मैं, तो आप देखो ये वाला x और ये वाला y है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि x जो है इसका स्क्वायर करेंगे तभी जाके y मिल जा रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तभी जाके ये मिल रहा है, मतलब मेरा जो ये वाला पॉइंट है ये इस इक्वेशन के ऊपर ही बैठा है, मतलब y = x² जो कि एक पैराबोला होता है, जो कि एक पैराबोला होता है, और पैराबोला दिखता कैसे है, अगर मैं बोलू यू शेप, हाँ तो मेरा ये जो बनेगा ना ये सर ऐसा कुछ बनेगा, तो मेरा मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं आपको ये कि आपका जो ये पॉइंट है ना a, y² कहीं भी नहीं होगा, ये आपका इसी, ये जो आपने मैंने कर्व ड्रॉ किया इसी कर्व के ऑन द कर्व होगा, ये कहीं भी नहीं होगा, ये जो है पॉइंट, ये जो a, y² इसी के ऊपर होगा, या तो आप मान लो इधर, या तो मान लो इधर, या तो मान लो इधर, कहीं भी, बट इसके ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक गलती किया था इसमें, एक चीज देखो मुझे लग रहा है अभी, हाँ x > 0 दिया था, तो मैं ना इस मतलब जो स्ट्रेट लाइन है इसके लेफ्ट में नहीं ले सकता हूँ, देखो ये वाला भी 0 दिया था ग्रेटर देन, ये वाला भी 0, मतलब मुझे
जीरो तक ही लेना है, इसके बाद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्स में नहीं जा सकते। ये देखो नेगेटिव एक्स में आ जा रहा है ये दोनों ही, इसको हम नहीं ले सकते ठीक है। इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करते हैं चलिए इजी कर देते हैं। समझ आया क्यों नहीं ले सकते इसको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। कि ग्रेटर देन जीरो, देखो दोनों में ही बोला था आपको कि ग्रेटर देन जीरो लेना है आपको, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, बाकी मतलब ये वाला तो हो गया, बाकी जो तो दो स्ट्रेट लाइन था, क्या था क्या था क्या था क्या था, 3y-x और x-2y, इन दोनों को ड्रॉ कर लो आप। मान लो ये वाला है आपका, ठीक है, तो ये है आपका 3y या क्या था यार भूल जा रहा हूँ, 3x-y x-2y, 3x-y equals to 0 और ये है x-2y equals to 0। तो मेरा जो पॉइंट है a, a square, ये येलो वाला पैराबोला के ऊपर ही है, मतलब मैं बोलूंगा ये येलो वाला पैराबोला के ऊपर है और ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच वाला है, तो कहाँ आ सकता है, कौन सा पोर्शन में आ सकता है? देखो सिर्फ इतना तक ही आ सकता है ना एज पर क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं जा सकते। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जहां वो आपका पैराबोला आ रहा है उसके ऊपर ही हो सकता है। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। और मुझे तो और ये इसके ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सब ए कॉमा स्क्वायर में फैलेगा, तो मुझे ए का ही रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, जहां ये पहला कट कर रहा है और बाद में जब कट कर रहा है, मतलब मुझे बेसिकली ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका भी इक्वेशन मालूम है, वाई इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो मैं पहले वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये वाला सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट मिलेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट मिलेगा, और उसका ही जो एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब जो एक्स का वैल्यू है वही मेरा ए आएगा, क्योंकि ए निकालने के लिए बोला है, ए स्क्वायर नहीं। दिमाग में गया मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ, ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है मतलब पैराबोला है वो नीचे वाला लाइन के साथ इधर कट कर रहा है, ऊपर वाला लाइन के साथ इधर कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा तो बात खत्म ना। तो मैं वही करूंगा, देखो इधर से आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x-2y, तो x-2y इक्वल टू 0, सो x-2 * y का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, सो ये क्या आ जाएगा आपका, आप कॉमन ले लो x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इधर से 1 - देखो x, इसको इस साइड दे देते हैं 2x² को, तो एक एक करके x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 2x, सो x = 1/2, सो ये वाला आप बोलोगे 1/2। इधर से x का वैल्यू 0 भी आ रहा था, बट 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0 होगा तो सेंटर मतलब 0 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो x का वैल्यू 1/2। सेम तरीके से इन दोनों को सॉल्व करो, आप क्या करोगे, 3x - y का वैल्यू कितना x² = 0, इधर से 3x ले लो इसमें x² कर दो तो 3 = x, तो देखो x का वैल्यू 1/2 से कितना आ रहा है 3 तक, तो x मतलब ही तो मेरा क्या है a ना, क्योंकि a ही तो x कोऑर्डिनेट में बैठा है, मतलब x कोऑर्डिनेट में बैठा है, तो a बिलोंग्स टू क्या आ जा रहा है 1/2 से लेके सर 3 तक, तो 1/2, 3, और इसमें भी देखो आंसर यही आया था, बट ये कितना मतलब मुझे इधर उधर करके लाना पड़ा, बट ये वाला ठीक, ये वाला ऐसे ही बन गया इजीली, तो ये वाला एक अच्छा थॉट प्रोसेस है अगर किसी को दिमाग में आएगा तो। आई होप आपको समझ आया होगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है चल। दूसरा चीज मतलब दूसरा मतलब आज का जो फाइनल टॉपिक है ये, इसके अंदर तीनों टोटल चीज आता है, ये अच्छे से आपको समझना है। देखो पहले मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा और फिर इसका डिराइवेशन दिखाऊंगा कि कैसे आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला से दिमाग में रहेगा नहीं। कल एक प्रॉब्लम कराया था ना जिसमें आपने, मैंने बोला था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया गया था और एक पॉइंट से उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मांगा जा रहा था, और मैं आपको बोला था कि अगर पॉइंट से, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको याद रह जाएगा, लेक्चर 8 सबने कल का क्लास किया था ना? यस सर। देखो ये yes, sir. क्या बोला था मैंने, आपको इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है, बट
डायरेक्ट नहीं निकालना है, बोला था कि इस लाइन के पैरेलल निकालना था, बट नॉर्मली अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया जाता है ना कोई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का, आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं। और मैंने बोला था कि ये अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे तो ही आज देखेंगे, मतलब एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है अगर कुछ कंडीशन मेंशन नहीं रहेगा तो मैं इजीली इसको निकाल सकता हूँ और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कि अगर आपका पॉइंट पी है एंड आपका स्ट्रेट लाइन जो है ए बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मान लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो पी एम का वैल्यू कितना आएगा? देखो क्या है, पी एम का वैल्यू कितना होता है, मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मॉड के अंदर है आपका जो इक्वेशन है टोटल, आप इसमें क्या बैठाओगे, ये वाला पॉइंट एक्स एक्स वन जो है वो एक्स में बैठाओ, वाई वन जो है वाई में बैठाओ, तो आपका बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, वाई का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर इक्वेशन में, ये फॉर्मूला है। सेम तरीके से मैं अगर बोलूं आपको कि कोऑर्डिनेट ऑफ एम, ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है, ये जो आप एम देख पा रहे हो ना, एम का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसका फॉर्मूला ये आ जाता है। अब देखो फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा याद करने के लिए मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ, बट कैसे आ रहा है आपको समझाना है और आपको समझना भी है कि कैसे आ रहा है वो भी देखेंगे। तो इनमें से टोटल तीनों चीज आता है, एक तो एक पॉइंट से आपका स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो कि ऐसे होता है मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेट लाइन में, मैं क्या करूंगा उस पॉइंट को बैठाऊंगा डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपका आएगा पी एम। सेम तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ एम मतलब एम जो है मतलब जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जो फुट है, फुट मतलब नीचे वाला पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से। एंड तीसरा चीज आपको अगर बोला जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेंस में, ठीक है, आया भी है बहुत बार, कि एक पॉइंट दिया गया है और आपको जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप मान लो ये आपका मिरर है, तो इस पॉइंट का जो इमेज आएगा ना, क्या आएगा इमेज, जैसे कि पी पॉइंट का इमेज आप देख पा रहे हो क्यू, आपको बोला जाएगा बेटा आप एक क्यू जो है इसका निकालो कोऑर्डिनेट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से। बात समझ आ रहा है मेरा? ठीक है, तो ये तीनों ही देखेंगे हम कैसे आ जा रहा है। स्टार्ट करेंगे पहला वाला से। कैसे होगा ये आप नॉर्मली? अच्छा पहले तो आप ये बोलो, कल मैंने जो पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाए थे किस किस को याद है पैरामेट्रिक फॉर्म? नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। बोलो किस किस को याद है, कोई बोल दो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या था, बोलो बेटा बोलो, सब चुप रहे हुए थे, कैसे होगा? x माइनस एक्स वन अपॉन साइन थीटा, देन बोलो बेटा बोलो y माइनस y कॉस थीटा। अच्छा आपने सही बोला बट गलत बोल दिया, x माइनस x वन अपॉन कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा होता है, साइन x माइनस x वन बाय कॉस थीटा equals to y minus y1 by sin theta equals to r, r क्या होता था सर, वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या होता था, थीटा मतलब जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है वो कितना स्लोप में है। तो चलो इसके थ्रू हम देखेंगे ये वाला चीज को, ठीक है, इसका जरूरत पड़ जाएगा इसमें। पहले तो आप देखो इसमें ये जो मैं p और m निकालने जा रहा हूं, तो मैं इसको ही ले लूंगा पहले de, और अब इसका ऐसे सोचो कि आप p से क्या कर रहे हो बेटा, आप p से जा रहे हो कहां, एम के तरफ। बात समझ आ रहा है मेरा? हाँ या ना बोलो? नहीं पी से, सॉरी पी से एम, एम के तरफ नहीं, आप एम से पी की तरफ जा रहे हो, चलो नहीं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा फालतू में। और आप देखो अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, कोई मुझे बोल दो पी एम का जो स्लोप है वो कितना आएगा सर? ए कैसे होगा बेटा? माइनस ए अपॉन बी, हाँ माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना है, तो बी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स माइनस सी, वाई होगा माइनस ऑफ ए बी ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, देखो एम का वैल्यू माइनस ऑफ ए बाई बी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ ए बाई, माइनस ए बाई बी किसका है, मैं ये वाला लाइन का बोल रहा हूँ। और आप देखो पी एम जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो पीएम का, सॉरी पीएम नहीं गलत लिख दिया, एम ऑफ ए बी होगा, ठीक है,
और अगर मैं बोलूं आपको कि एम ऑफ पीएम ये क्या होगा, फिर ए इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मुझे इसका मालूम है, तो इसका क्या होगा? सर बी अपॉन हाँ, एक तो सर आपका बी अपॉन ए हाँ रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव बैठा होगा तो प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकेट कर दोगे तो बी बाई ए। कैसे हो रहा है सर? अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन होता है स्लोप का, और इधर से एम वन आ जाता है माइनस ऑफ वन बाई एम टू, ये वाला कल ही दिखाए थे और इसका प्रूफ भी दिखाया था। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करोगे सब याद रहेगा। चलो, तो मुझे एम ऑफ पी एम मिल गया, मतलब अगर मैं सोचू बेटा कि मैं एम से पी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे इसका स्लोप मालूम है, तो यूजिंग क्या बोलो, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ? हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर यस सर हाँ निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो इससे ही करेंगे। बट बात क्या है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है। एक्स माइनस क्या होता है, एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आर होता है, ये आपका फॉर्मूला रहता है, राइट। बट हमें क्या करना है, ये यस सर कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा में नहीं रख सकते, हम इसको इंस्टेड कॉस थीटा एंड साइन थीटा मैं कुछ और लिखूंगा। ट्रायंगल वाला जो फॉर्म होता है ना, से साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, उस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला याद है सबको, कल दिखाया था और कैसे आ रहा था ये भी दिखाया था। देखो अगर डिराइवेशन याद रह जाएगा ना, तो मतलब आपके लेवल पे तो कोई नहीं रह सकता है, फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम मतलब आप एकदम कोर जान गए हो, कुछ भी प्रॉब्लम को इधर उधर कर देगा ना, आप उसको निचोड़ लोगे एकदम, अगर डिराइवेशन याद होगा तो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्या ही है, मैं फॉर्मूला दिखा के प्रॉब्लम दिखा करके सेशन तो बहुत इजीली खत्म कर सकता था। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, अगर आप याद रख पाओगे तो अच्छा होगा आपके लिए, बट इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे ट्रायंगल के थ्रू निकालना है। आप देखो एक चीज देखो, आप इसमें आप देख पा रहे हो एम ऑफ पी एम बी बाई ए हुआ है। अब एम ऑफ पी एम मतलब टेन थीटा है ना बेटा इसका, क्योंकि एम का वैल्यू तो सर टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा लिख सकते हैं हम। हाँ या ना बोलो। सर मतलब अगर सर टेन थीटा का वैल्यू बी बाई ए, तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाला थीटा है, तो दिस इज बी एंड दिस इज ए। हाँ या ना बोलो। यस सर यस तो कोई सर मुझे बोल दो इसका हाइपोटेनस क्या आएगा, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। सर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिखाया था आपको कैसे होता है, और ऐसे याद रखता है कि ये वाला यस परपेंडिकुलर ये सर वाला बेस, तो रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस ही हो रहा है, बट डायरेक्ट याद रखो चीज को। तो आप देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा इधर से, सर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर साइन थीटा कितना आएगा, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। यस इस चीज को इसमें बैठा दो, और आर का वैल्यू आर नहीं ए डी आएगा, तो आपका फाइनल जो चीज बन जाएगा वो क्या बनेगा, क्या कलर लेते हैं, चलो ये वाला लेते हैं, फाइनली बन जाएगा एक्स माइनस कितना होगा एक्स वन बाई कितना हो जाएगा इधर से, एक्स वन ही रहेगा। हाँ एक्स वन ही रहेगा, क्योंकि एक्स वन ही लिया है। कॉस थीटा वैल्यू कितना है कॉस का, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन, साइन का वैल्यू कितना है, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डी। हाँ या ना बोलो। यस और सर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एम का सर कोऑर्डिनेट जिसको मैंने एक्स कमा वाई लिया था, तो इधर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वाई मिलेगा। चलो करते, तो एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा आपका डी इंटू टोटल टर्म, तो ये बनेगा ए डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एक्स विल बी व्हाट ए डी, अच्छा एक्स वन इधर जाएगा तो प्लस ए डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर एक्स। एंड वाई हो जाएगा कितना, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू ए, सॉरी ये डी है बी है, तो बी इंटू डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू आएगा वाई वन प्लस बी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया ना मेरा एम का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, मैं इसको कलर चेंज करके एक्स या एक्स और ये वाला वाई कर दे रहा हूँ, मतलब यही वाला एक्स वाई। हाँ या ना बोलो, समझ आया। और आप देखो गौर से कि एम जो है एक कौन सा लाइन के ऊपर है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के ऊपर ना है, मतलब अगर मैं एम का जो कोऑर्डिनेट निकला है इसका वैल्यू इसमें बैठाऊंगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना कर जाएगा,
बोलो बोलो। सर तो मैं अभी लिखूंगा इसमें कि एम लाइज ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इधर से मैं क्या करूंगा, मैं ये वैल्यू बैठाऊंगा, ए इंटू एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए इंटू एक्स का वैल्यू आएगा एक्स वन प्लस ए डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी इंटू क्या हो जाएगा वाई, मतलब वाई वन प्लस बी डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ आया ना, समझने वाले कुछ है भी नहीं। ठीक अब ए इंटू एक्स वन बी इंटू वाई वन प्लस सी को अलग से लिख देंगे, ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी, और बाकी टर्म को अलग से लिखेंगे। क्या आ जाएगा बाकी टर्म में, देखो बाकी टर्म में इसमें भी आपको, इसमें भी आपको डी दिख रहा है, इसमें भी आपको डी दिख रहा है, तो मतलब मैं डी को कॉमन ले सकता हूँ इधर से। तो मैं डी को कॉमन लेके बाकी लिखूंगा ए इंटू ए आपका आएगा ए स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, और अपोन ए वाला बी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मेरा यस मोटो सर तो यही है ना, डी निकालना, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब डी इधर से क्या करोगे, स्क्वायर ये टोटल टर्म को इस साइड लेंगे, तो डी इंटू आपका रहेगा ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हाँ माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। और आप देखो डी का वैल्यू कितना आएगा, डी इक्वल्स टू आप देखो सही किया ना मैंने, हाँ सही किया है। देखो माइनस ए इसको अगर आप करोगे ना, थोड़ा इधर कैलकुलेट करता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि नीचे वाला तो पोर्शन सेम ही है, और ए आएगा सिर्फ आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया, ये वाला चीज करेंगे तो टोटल कैलकुलेट, समझ आया, मतलब ये यस सेम रह जाएगा कितना, डी अपॉन रहेगा सर डी इंटू रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। हाँ या ना बोलो, और डी का वैल्यू बन जा रहा है माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, यस सर और ये डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मुझे ये मॉड लेना है, तो मैं लिख दूंगा इसको फादर मॉड, नेगेटिव नहीं हो सकता। यही देखो मैंने फॉर्मूला था जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, ये वाला नंबर वन फॉर्मूला देखा, आई होप आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, एम का मतलब ये इसका क्या निकल गया, मेरा डिस्टेंस निकल गया, ये वाला डिस्टेंस निकल गया। अब ये एम जो पॉइंट है सर, इसको कोऑर्डिनेट निकालेंगे, टाइम है थोड़ा, हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये समझ आया सबको, इसको योलो कर देते हैं, यस ठीक है, चलो इसको ना लिख लेते हैं ये वाला को फॉर्मूला को एक बार, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा ये चीज, इतना बड़ा है। तो इसमें क्या है, ये हमें दिखाना है, देखो हम कैसे करेंगे, हमने कुछ देर पहले देखा ना ये वाला चीज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला देखा ना, ये वाला को फिर से लेंगे इसी चीज को, ठीक है, एक्स एक्स माइनस एक्स वन बाई था आपका ए, कितना था ए बाई स्क्वायर भी, अच्छा ठीक है चलो, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी था, राइट। एंड जैसे डी का वैल्यू मेरा आया था माइनस ऑफ कितना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी अभी ये वाला निकाले हमने, हाँ या ना बोलो, यही तो निकाला ना, यही यस वाला, सर यही वाला जो डी है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसमें बैठा दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका आ जाएगा
एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अंडर रूट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी। डी के जगह पर ये लिखेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। सर। और अब इधर से देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि ये समथिंग डिवाइड बाई वन बाई टू है तो टू ऊपर जाएगा ना, ऐसे सोचो। मतलब ये भी डिवाइड में, डिवाइड के डिवाइड में है, तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ आ रहा है ना मेरा बात? यस तो अगर ऐसा होगा तो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ ना ऐसे कि सर एक्स माइनस एक्स वन बाई सिर्फ ए टोटल इंटू आ जाएगा सर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेम थिंग, इधर इधर भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस वाई वन बाई सर हो जाएगा बी एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और रूट ओवर में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी को इस साइड ले जाएंगे, इसको भी इस साइड ले जाएंगे, तो ये नीचे जाके मल्टीप्लाई होकर रूट ओवर वाला टर्म हट के सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ रहा है मेरा? सर। यस तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको हटा दूंगा और सिर्फ लिखूंगा आपका जो फॉर्म एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई ए बी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही देखो आपका फॉर्म था। ये देखो फॉर्मूला था जो कि पहले लिखा था उसको ही कॉपी करके लाया मैंने, ये वाला आपका बन गया दूसरा वाला, और जो तीसरा है वो इससे ही बन जाता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर आप देखोगे तो ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है? हाँ ये वाला, और तीसरे वाले में और दूसरे वाले में सिर्फ एक डिफरेंस है। देखो बेटा ये आपका टू है इधर एक एक्स्ट्रा। अब देखो ये टू क्यों आ रहा है, हमने डिस्टेंस कौन सा निकाला, ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब मुझे बोला जा रहा है आपको ये वाला निकालना है, अब देखो आपको फिर दो मतलब ये वाला एक आएगा ये वाला एक आएगा, तो टू टाइम्स आ रहा है ना। तो अगर आप इसको प्रूव करोगे तो सेम तरीके से आएगा, बट ये सिर्फ टू आ जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हो कि मिरर इमेज हो रहा है तो टू टाइम्स आ रहा है, तो ये इसीलिए माइनस टू इधर आ जा रहा है, तो ये ऐसे होता है। ये वाला का अलग से फिर से सेम थिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि हाँ ये मिरर इमेज अगर बोलेगा मतलब मिरर होगा तो नीचे वाला जो पॉइंट हो रहा है इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? मतलब ये वाला भी डी हो जा रहा है, ये वाला भी डी हो जा रहा है, इसी केस में आपका ये आ जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। टाइम भी लगभग हो ही गया है, तो ये अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि देख देख पा रहे हो तो कितना कोर कॉन्सेप्ट है ये सब, मतलब इतना इजी नहीं होता है ये सब एक बार में। मतलब आप इस क्लास ज्वाइन करके देख लिए, समझ लिए, अगर समझ आया होगा आई होप तो समझ लिए, और रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग से एक अलग से सेशन बनाऊंगा कि आप लोग से मतलब पूछना है कि आप पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रहे हो, मतलब कैसे चल रहा है। अगर किसी का कोई पार्टिकुलर कुछ डाउट्स रहेगा मुझे बोलना, मतलब मैथ्स का डाउट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका कुछ भी आपका एकेडमिक रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक अलग से सेशन रखेंगे संडे या किसी और को, तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा या yes, मतलब sir. Yes, ठीक है, तो आपको आपको ग्रुप पे बोला दिया जाएगा, आप ग्रुप फॉलो करना। ठीक है, हो सकता है कि कल कल संडे है, कल अगर होगा तो कल आई होप, हाँ कल ही आई होप हो जाएगा। ठीक है, yes, तो मैं sir. सोच रहा हूँ कि कल सुबह पे एक मीटिंग लिंक भेज दूंगा आपको, मतलब मैं बेसिकली आपसे आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि क्लास के बाहर बात नहीं हो पाता है, वो आपका टोटल टाइम इसमें चला जाता है। देखो हो ही गया टाइम और मेरा नेक्स्ट क्लास भी है, तो क्योंकि रिवाइज करना है। ठीक है, एक अलग से स्ट्रेटेजी बोल दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, नहीं तो सिर्फ क्लास ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवाइज का प्लान बना, खुद का एक अच्छे से प्लान या शेड्यूल करो कि हाँ ये दिन में ये करना है, दिन भर ये करना है, बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं यस कल सर। लिंक आपको भेज दूंगा, सुबह बहुत सुबह नहीं करेंगे, आप लोग संडे है, आप लोग भी समझ पा रहे हो, तो आप लोग का भी छुट्टी का दिन है, तो मैं भेज दूंगा लगभग 11-12 बजे तक मिल जाएगा, हम दोपहर में कर सकते हैं 12 बजे के बाद। यस सर। ठीक है, तो आई होप आप लोग ज्वाइन कर लेना, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है बेटा, यस सर। चलो फिर, गुड नाइट सबको, सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं, रिवाइज करो सब। ठीक है, चलो नोट्स मिल जाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर, बाय बेटा, बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा, सर।